नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। क्रिकेट मैच की कमेंट्री के दौरान बैट्समैन शब्द आपने शायद कई बार सुना होगा, लेकिन अब ये शब्द क्रिकेट की शब्दावली में पुराना होने वाला है और मैच के दौरान शायद ही सुनाई दे। क्रिकेट से इस शब्द को हमेशा के लिए हटा दिया गया है। दरअसल खेल नियमों के संरक्षक मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC ने बुधवार को घोषणा की है कि अब पुरुष और महिला दोनों के लिए बैट्समैन की बजाय तुरंत प्रभाव से जेंडर न्यूट्रल शब्द बैटर का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि पुरुष और महिला बल्लेबाज को कमेंट्री के दौरान किस एक शब्द से बुलाया जाए, इसको लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी। अब MCC ने ये फैसला लिया है। MCC समिति द्वारा इन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे पहले क्लब की विशेषज्ञ नियमों की उप समिति ने इस संबंध में चर्चा की थी। MCC ने नियमों में संशोधन करते हुए कहा है कि जेंडर न्यूट्रल शब्दावली का इस्तेमाल सभी के लिए एक सा होने पर क्रिकेट के दर्जे को बेहतर करने में मदद करेगा। ये संशोधन इस क्षेत्र में पहले से किए गए कार्य का स्वाभाविक विकास और खेल के प्रति MCC की वैश्विक जिम्मेदारी का जरूरी हिस्सा है। बयान में कहा गया है कि महिला क्रिकेट ने दुनिया भर में सभी स्तर पर अभूतपूर्व विकास किया है, इसलिए महिलाओं और लड़कियों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक जेंडर न्यूट्रल शब्दों का अपनाने की बातें कही जा रही थी। कई मीडिया संस्थान पहले से ही बैटर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। MCC ने कहा है कि 2017 में पिछले रीड्रॉप में ICC और महिला क्रिकेट की कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों ने सलाह के बाद सहमति बनी थी कि खेल के नियमों के अनुसार शब्दावली बैट्समैन ही रहेगी। इसके अनुसार आज घोषित हुए बदलावों में बैटर और बैटर शब्द क्रिकेट जगत में व्यापक उपयोग को दर्शाते हैं। बैटर शब्द का इस्तेमाल स्वाभाविक प्रगति है जो नियमों में बॉलर्स और फील्डर्स शब्दों के अनुरूप ही है। MCC के सहायक सचिव ने कहा है कि MCC महिला हो या पुरुष, क्रिकेट को सभी के लिए खेल मानता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये कदम आधुनिक समय में खेल के बदलाव को मान्यता देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये समय इस फैसले को आधिकारिक रूप से मान्यता देने के लिए सही है और हम नियमों के संरक्षक के रूप में इन बदलावों की घोषणा करके खुश हैं। बता दें कि हिंदी में पहले से ही बल्लेबाज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में बैट्समैन बोला जाता था, जिसमें संशोधन किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।